हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। जीयूआई एप्लीकेशन डेवलपमेंट यूजिंग पाइथन की वीडियो लेक्चर की सीरीज़ में आज का हमारा दूसरा वीडियो। फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम कैसे एक बेसिक सा विंडो किंटर मॉड्यूल का यूज़ करके डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि वो जो हमने बेसिक विंडो बनाया था उसको हम कैसे विड्थ और हाइट सेट कर सकते हैं, ठीक है। उसकी मिनिमम साइज़ मैक्सिमम साइज़ डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। सो ये जो कुछ प्रॉपर्टीज़ है ये हम अप्लाई करने वाले हैं हमारे विंडो के ऊपर, और देखते फिर हमारा विंडो जो है वो कैसे बनता है, ठीक है। सो चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज के लिए। सो यहाँ पे मैं एक नई फाइल बनाऊँगा एज दिस इज़ अवर सेकेंड वीडियो। सो मैं पाइथन फाइल को नाम देता हूँ सेकेंड विंडो। ओके, एक्चुअली हम हर वीडियो के लिए एक नई फाइल बनाएंगे, सो दैट हम जो प्रीवियस कोड है उसको भी करेंगे यहाँ पे, और हम नया क्या उसमें ऐड करने वाले वो भी देखेंगे, ठीक है। ये आपको हर बार आपको भी यही प्रैक्टिस फॉलो करना है, बिकॉज आप जितने बार कोड करेंगे उतनी आपकी प्रैक्टिस बढ़ते जाएंगे और उतना ही आपका जो इफिशियंसी है, एक्यूरेसी है, वो बढ़ते जाएगा, ठीक है। सो हमें एक विंडो बनाने के लिए हमने देखा है कि हमें एक पहले तो किंटर मॉड्यूल को इम्पोर्ट करना है। सो फ्रॉम किंटर इम्पोर्ट ऑल, ठीक है। सो ये स्टेटमेंट यूज़ करके हम किंटर के सब फंक्शंस को इंपोर्ट करेंगे अपने प्रोग्राम में, ठीक है। देन वी हैव टू क्रिएट ऑब्जेक्ट रेफरेंस विंडो, और उसे मुझे टीके क्लास का एक ऑब्जेक्ट पास करना है, ठीक है। इतना काम करके हमारा होगा नहीं, हमें एक मेन लूप जो फंक्शन है किंटर मॉड्यूल का उसको भी कॉल करना है विद हेल्प ऑफ विंडो ऑब्जेक्ट रेफरेंस। सो विंडो डॉट मेन लूप, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने एक बेसिक विंडो डिस्प्ले करने के लिए जो कोड है वो लिख लिया है, ठीक है। तो मैं इसको अगर रन करता हूँ तो देखिए मुझे एक बेसिक सा विंडो जो है वो यहाँ पे स्क्रीन पे मिल रहा है, ठीक है। लेकिन हमें अभी यहाँ पे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज सेट करना है, ठीक है। इसमें टाइटल सेट करना है, इसके विड्थ और हाइट सेट करनी है, ठीक है। सो उसके लिए हमें यहाँ पे कोडिंग करना है, ठीक है। सो आप देखेंगे कि आपको विंडो बनाने के लिए तो पहले टीके क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना के आपको एक विंडो नाम के ऑब्जेक्ट रेफरेंस में हमने पास किया है, ठीक है। और बाद में विंडो को डिस्प्ले करने के लिए हमने मेन लूप फंक्शन जो है किंटर मॉड्यूल का वो यहाँ पे विंडो का यूज़ करके कॉल किया है, ठीक है। सो आपको अभी जो कुछ भी प्रॉपर्टीज़ उस पर्टिकुलर विंडो के ऊपर अप्लाई करनी है वो पूरी प्रॉपर्टीज़ के लिए जो आप कोड लिखेंगे वो इस पर्टिकुलर जगह में लिखेंगे, दैट इज़ जहाँ पे आपने विंडो को टीके क्लास का ऑब्जेक्ट पास किया है वहाँ पे, और जहाँ पे आपने विंडो का यूज़ करके मेन लूप फंक्शन को कॉल किया है वहाँ पे, ठीक है। तो इसके बीच में जो कुछ भी आप कोड लिखेंगे तो वो जो है वो कोड आपको विंडो के ऊपर अलग अलग टाइप की प्रॉपर्टीज़, अलग अलग टाइप की विजेट्स ऐड करने के लिए आप यहाँ पे कोड कर सकते हैं, ठीक है। सो अभी हम क्या करते हैं कि हमने इसको एक बार रन करके देखते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मैं विंडो को रन करता हूँ तो यहाँ पे मुझे टाइटल में सिर्फ यहाँ पे टीके दिख रहा है, ठीक है। सो मैं अपनी विंडो का भी टाइटल सेट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो आपको विंडो का टाइटल सेट करना है, तो हमारी विंडो जो है हमने ये ऑब्जेक्ट रेफरेंस में पास की हुई है, ठीक है। सो हमें विंडो फंक्शन मतलब टाइटल चेंज करने के लिए हमें विंडो का यूज़ करके एक किंटर मॉड्यूल का फंक्शन कॉल करना है जिसका नाम है टाइटल, ठीक है। तो विंडो डॉट टाइटल फंक्शन होने की वजह से हमें पैरेंथेसिस का पेयर लगाना है, और टाइटल में जो कुछ भी आपको टेक्स्ट दिखाना है वो आप यहाँ पे पास कर सकते हैं। एज टेक्स्ट इज अ स्ट्रिंग, तो हमें डबल कोट में उसको इन्क्लोज करना है। सो वील से वेलकम टू GUI प्रोग्रामिंग, ठीक है। वेलकम टू GUI प्रोग्रामिंग, ये हमारे जो अभी विंडो है इसका टाइटल रहेगा, ठीक है। सो हम इसको एक बार रन करके देखते हैं, ठीक है। सो ये एक्चुअली वेलकम टू GUI प्रोग्रामिंग, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा हाँ ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको टाइटल दिख रहा है वेलकम टू GUI प्रोग्रामिंग। तो आप टाइटल मेथड का यूज़ करके किसी भी विंडो में टाइटल सेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमने जब ये अभी विंडो रन किया था तो हमें इसका जो है एक बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ मिला हुआ है, ठीक है। हमें इसका जो साइज़ है अभी वो जो है विड्थ और हाइट जो है वो चेंज करना है, ठीक है। सो विड्थ और हाइट चेंज करने के लिए मुझे एक फंक्शन यूज़ करना है किंटर मॉड्यूल का, और उसको कॉल करने के लिए कन्फर्म है कि हमें विंडो का ही यूज़ करना है, क्योंकि हम विंडो की हम हमारी जो विंडो है वो हमने इस विंडो जो ऑब्जेक्ट रेफरेंस है उसमें पास कर रखी है टीके क्लास का ऑब्जेक्ट पास करके। सो हमें उसके ऊपर ये जो फंक्शन है इस उसके ऊपर ये प्रॉपर्टीज़ जो है वो अप्लाई करनी है, ठीक है। सो मुझे एक फंक्शन कॉल करना है अगर मुझे विड्थ और हाइट सेट करना है, ठीक है। सो विंडो डॉट फंक्शन का नाम है ज्योमेट्री, ठीक है ना, फंक्शन होने की वजह से ओपन एंड क्लोज पेयर ऑफ पैरेंथिसिस, ठीक है। सो एक ज्योमेट्री नाम का मुझे फंक्शन कॉल करना है किंटर मॉड्यूल का, और उसमें मुझे एक स्ट्रिंग पास करना है, और स्ट्रिंग में मुझे पास करना है विड्थ और हाइट, ठीक है। तो विड्थ और हाइट हम ज्योमेट्री मेथड का यूज़ करके ज्योमेट्री फंक्शन का यूज़ करके कैसे सेट करते हैं वो देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो मैं विड्थ और हाइट का एक स्ट्रक्चर इनपुट देने वाला हूँ एज एन पैरामीटर टू ज्योमेट्री फंक्शन, वो एज एन स्ट्रिंग इनपुट होता है, तो मुझे यहाँ पे डबल कोट में उसको इनक्लोज करना है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, मुझे यहाँ पे विड्थ सेट करना है 400, ठीक है। और उसके बाद में मुझे यहाँ पे
एक्स यूज़ करना है, ठीक है ना। मल्टीप्लिकेशन जो हम मैथमेटिक्स में साइन यूज़ करते हैं, यहाँ पे वैसे कीबोर्ड पे हमें कोई मल्टीप्लिकेशन साइन नहीं रहता, तो हमें एक्स यूज़ करना है, ठीक है। और देन हमें उसकी हाइट पास कर देनी है 300, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि एक 400 बाय 300 पिक्सल की हमें क्या करना है, विंडो डिस्प्ले करानी है, ठीक है। सो अगर आपको विड्थ और हाइट सेट करना है किसी भी विंडो की, तो आप ज्योमेट्री नाम का जो फंक्शन है किंटर मॉड्यूल का, उसको कॉल करेंगे, ठीक है। और उसमें एक पैरामीटर पास करेंगे एज एन स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग में हम कितने बाय कितने का, जैसे हम बोलते हैं ना कि एक रूम का मेजरमेंट रहता है, उसी हिसाब से एक विंडो हमारा कितने विड्थ और हाइट का रहेगा वो हमें पास करना है। तो फर्स्ट जो नंबर रहता है वो स्पेसिफाई करता है विड्थ को एंड इन टू, और उसके बाद में जो है हम पास करते हैं हाइट, ठीक है। सो देखते हैं फिर 400 बाय 300 का हमारा विंडो यहाँ पे डिस्प्ले होता है क्या। सो यस, यहाँ पे आपने देखा है कि 400 बाय 300 साइज़ का जो हमारा विंडो है अभी यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। तो देखिए, इस विंडो को अगर मैं यहाँ पे इसको रिसाइज़ करने जाऊँ, तो आप चाहे जितना उतना रिसाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यार ये तो ऐसा है कि आप चाहे जितना रिसाइज़ कर सकते हैं, मेरी ऐसा एम है कि मुझे ये रिसाइज़ के लिए भी एक साइज़ रखना है, कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसको इतना बड़ा रख सकता हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा इतना छोटा रख सकता हूँ। देखो, अगर मैं इसको छोटा करने जाऊँ तो मैं इसको बहुत ही छोटा भी रिसाइज़ कर सकता हूँ अभी बाय डिफ़ॉल्ट में, तो ठीक है। तो देखिए, इतना छोटा ही बनता है, ठीक है। सो मुझे इसको ज़्यादा छोटा भी नहीं बनने देना है, और अगर मैं इसको बड़ा करने जाऊँ तो ये फुल स्क्रीन तक भी लेता है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फुल स्क्रीन अभी ले रहा है, ठीक है। सो मुझे इसको रिस्ट्रिक्ट करना है एक पर्टिकुलर साइज़ के लिए। सो मुझे जो है अभी इसमें एक मिनिमम साइज़ और मैक्सिमम साइज़ जो है हमारे विंडो की, वो सेट करना है, ठीक है। सो मिनिमम साइज़ और मैक्सिमम साइज़ में विंडो की कैसे सेट कर सकता हूँ वो देखते हैं। मुझे किंटर मॉड्यूल का ही एक फंक्शन कॉल करना है, तो वो मैं कॉल करूँगा विद द हेल्प ऑफ विंडो ऑब्जेक्ट रेफरेंस विंडो डॉट मैक्स साइज, ठीक है ना। तो विंडो डॉट मैक्स साइज का यूज़ करके जो है हम ये सेट कर सकते कि हमारे विंडो की मैक्सिमम साइज़ कितनी हो सकती है, अगर कोई मैक्सिमाइज करने भी जाए तो उसकी मैक्सिमम साइज़ कितनी हो सकती है, ठीक है। सो बाय डिफ़ॉल्ट तो हमारी 400 बाय 300 साइज़ है, तो मैं कहता हूँ कि इसकी मैक्सिमम साइज़ होनी चाहिए 500 बाय 500, ठीक है। सो देखते हैं फिर मैक्सिमम साइज़ उसकी कितनी होती है, ठीक है। एक जस्ट अ सेकेंड, तो आप देखिए यहाँ पे मैं अभी इसकी विड्थ यहाँ पे एक्सपांड करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये 500 ही उसकी विड्थ सेट हुई है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे हाइट भी उसकी एक्सपांड करने की कोशिश करता हूँ। सो एक लेवल के बाद इसकी हाइट भी जो है वो बढ़ नहीं रही है, ठीक है ना। सो इस प्रकार से मैंने विंडो की मैक्सिमम साइज़ जो है इसको मैक्सिमाइज भी करता हूँ। तो देखिए, 500 बाय 500 का ही विंडो अपने को यहाँ पे आउटपुट में मिलने वाला है, ठीक है। बिकॉज मैंने उसकी मैक्सिमम साइज़ जो है वो सेट किया था 500 बाय 500, ठीक है। सो मैक्स साइज़ ये जो फंक्शन है किंटर मॉड्यूल का, इसमें दो पैरामीटर आएंगे, विड्थ एंड हाइट। तो यहाँ पे आपको विड्थ एंड हाइट जो है कॉमा से सेपरेट करके उसकी वैल्यूज पास करना है, जिस प्रकार से हम मैक्सिमम साइज डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन अभी अगर मैं इसको रन करूँ, ठीक है। सो यहाँ पे मैक्सिमम साइज का तो मेरे पास लिमिट है, लेकिन इसको मिनिमाइज करने के लिए कोई लिमिट अभी यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। सो अगर मुझे इसको मिनिमाइज करने का भी लिमिट यहाँ पे लगाना है, तो यहाँ पे देखिए मैं इसको कितना भी मिनिमाइज कर सकता हूँ। तो अगर मुझे इसको मिनिमाइज करने का भी एक लिमिट लगा देना है, तो मुझे एक फंक्शन कॉल करना है, दैट इज़ विंडो डॉट मेन साइज, ठीक है। और मैं कहता हूँ कि 200 उसकी विड्थ रहनी चाहिए और 200 ही उसकी मिनिमम हाइट रहनी चाहिए, इससे छोटा वो विंडो दिखना नहीं चाहिए, ठीक है। सो इसको मैं रन करके देखता हूँ एक बार। सो बाय डिफ़ॉल्ट तो ये 400 बाय 300 के साइज़ से ही ओपन होगा, लेकिन अभी मैं इसको अगर छोटा करने चाहूँ तो ठीक है, 200 विड्थ के नीचे अभी वो नहीं जा रहा है। और अगर इसकी हाइट भी मैं कम करने चाहूँ तो देखिए, हाँ देखिए, 200 से कम उसकी हाइट भी नहीं हो रही है, ठीक है ना। सो यहाँ पे आप किसी भी विंडो की मैक्सिमम साइज़ और मिनिमम साइज़ जो है वो डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आपको ऐसा लगता है कि यार नहीं, इसकी मिनिमम साइज़ और मैक्सिमम साइज़ का ऑप्शन ही नहीं रहना चाहिए, इसको हम जो है रिसाइज़ करते ही नहीं आना चाहिए इसको, ठीक है। सो अगर आपकी सिचुएशन के हिसाब से अगर आपको ऐसी एक विंडो बनानी है जिसका रिसाइज़ का ऑप्शन आपको यूज़र को नहीं रखना है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, फंक्शन कॉल कर सकते हैं। तो एज़ यूजुअल आपको विंडो का यूज़ करके उस फंक्शन को कॉल करना है, और फंक्शन का नाम है रिसाइजेबल, ठीक है ना। आपको फंक्शन का नाम यूज़ करना है रिसाइजेबल, फंक्शन होने की वजह से पैरेंथिसिस का पेयर, और इसमें आपको विड्थ और हाइट का जो वैल्यू है वो 0 0 सेट कर देना है। 0 0 मीन्स कि आपको जो है उसके विड्थ और हाइट को आपको ना बढ़ाना है ना कम करना है, जितनी बाय डिफॉल्ट में, दैट इज़ बाय डिफॉल्ट अपनी ओपन हो रही है यहाँ पे 400 बाय 30 में, तो उतनी ही बाय डिफॉल्ट साइड उसकी हर बार रहनी चाहिए, वो रिसाइजेबल मतलब उसकी हम रिसाइज उस विंडो को नहीं कर पाए, ठीक है। तो इसको अभी मैं रन करके देखता हूँ,
ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे मुझे रिसाइज करने के लिए ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है, और मैं इसको मैक्सिमाइज करने जा रहा हूँ तो यहाँ पे मैक्सिमाइज का बटन जो है वो भी इनएक्टिव है, बिकॉज यहाँ पे मैंने रिसाइजेबल जो फंक्शन है उसमें 0 0 वैल्यू पास कर दिए, तो अभी मैं इस विंडो को रिसाइज नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अलग अलग एट्रीब्यूट्स यूज़ करके आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप आपके मनपसंद विड्थ और हाइट के लिए एक विंडो डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। सो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जो वीडियो है हमारा ये समझ में आया है, ठीक है। तो अगर आपको आज की प्रोग्रामिंग यहाँ पे हमने इस वीडियो में जो देखी है वो अगर आपको समझ में आई है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। हमारी जीयूआई एप्लीकेशन डेवलपमेंट यूजिंग पाइथन की ट्यूटोरियल सीरीज़ में आप जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैसे अलग अलग टाइप के विजेट्स हमारे विंडो के ऊपर ऐड कर सकते हैं। विजेट्स में हमने देखा है कि अगर आपने HTML पढ़ा होगा तो विजेट्स आपको पता है कि इनपुट बॉक्स हो गया, बटन्स हो गया, इसको हम विजेट्स कहते हैं। तो हम कैसे हमारी विंडो के ऊपर विजेट्स ऐड कर सकते हैं उसका कोड हम आगे देखेंगे, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही।